और अब कुछ खबरें तिजारती दुनिया से। ज़कात की कटौती के लिए मुल्क भर में आज तमाम सरकारी और कमर्शियल बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। पहला रोज़ा होने की वजह से अकाउंट होल्डर से ज़कात की कटौती के लिए मुल्क भर में आज सरकारी और कमर्शियल बैंकों को अवामी लेन देन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा, जबकि बैंक का अमला मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। दूसरी जानब स्टेट बैंक ने रमज़ान मुबारक के दौरान सरकारी और कमर्शियल बैंकों के औकात कार में भी तब्दीली का ऐलान कर दिया। माह मुकदस में तमाम बैंक पीता जुमरान सुबह 9 बजे से सह पैर 3:30 बजे तक खुलेंगे, जबकि 2 से 2:30 बजे तक नमाज का वक्फा होगा। जुमत और मुबारक को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बगैर किसी वक्फे के बैंक काम जारी रखेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिर्ता इस्माइल ने कहा है कि मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ारत के लिए सही आदमी है। साबिक वफाकी वज़ीर मिर्ता इस्माइल ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोहम्मद औरंगज़ेब की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। PIA की निजकारी करना होगी। PIA से निजकारी से 100 अरब का नुकसान खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म को वज़ीर निजकारी के साथ खड़ा होना होगा। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह के ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में इजलास हुआ, जिसमें रेलवे के तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह ने कहा है कि तमाम मंसूबे मुकर्रम मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। हादसात में कमी खुश आइंदा है, ट्रैक्स की मुसलसल निगरानी की जाए। मजहर अली शाह ने कोहाट खरलाची मंसूबों की डिजाइनिंग का तफसीली जायजा लिया। चेयरमैन रेलवे ने इंतजामिया को रिकॉर्ड आमदन पर शाबाश दी।